एनजी ड्रॉ किया, एक एक स्ट्रिंग एक मैन के हाथ में और एक बॉब के साथ है, कार चल रही है, कार के एक्सलरेट होने की वजह से बॉब पीछे चला गया, क्यों, इसके ऊपर क्या लग गई, सूडो फोर्स, कितनी एम ए, दो फोर्सेस तो पक्की हो गई। तीसरा यहाँ टेंशन टी, आपको टेंशन निकालनी है, टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यहाँ तक आपको टी निकालना है, और साथ में ये मैन इसको नीचे भी खींच रहा है विद सम एक्सलेशन ऑफ ए, तो यानी कि ये स्टेशनरी नहीं है, अगर रेस्ट पे होता ना फिर तो बड़ा पुराना क्वेश्चन था अपना, वो टी को रिजॉल्व कर लो, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एम में आंसर आ जाता, ये तो उल्टा मूव करवा रहा है, तो अपने को फोर्सेस देनी पड़ेंगी इस एक्सिस के अलोंग, और फिर टी माइनस ये फोर्सेज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब फोर्सेज ड्रॉ करें, तो इन फोर्सेज को ड्रॉ करने के लिए एक वर्टिकल के साथ ये ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो एक वेक्टर नीचे की तरफ कितना हो गया एम जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट किसका आएगा एम ए का, एम ए का, एम ए का कॉम्पोनेंट देखें तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट जो इस तरफ आएगा वो क्या आएगा एम ए इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो एक कॉम्पोनेंट एम जी इंटू कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट एम ए इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक, तो एक कॉम्पोनेंट आ गया एम ए इंटू साइन थीटा, स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, तो क्योंकि ये बॉब आगे जा रहा है या एक्सलरेट कर रहे हैं एज पर क्वेश्चन, तो इक्वेशन क्या बनेगी बॉब पे, टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम ए इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो यहां से टेंशन इज इक्वल टू एम जी इंटू कॉस थीटा प्लस एम ए इंटू साइन थीटा प्लस मास इंटू एक्सलरेशन, एक बार चेक करना इसका आंसर किसकी फॉर्म में गिवन है, ठीक, इसको इस फॉर्म में निकालने का एक और तरीका भी है, आपको एंगल की फॉर्म में तो गिवन नहीं, आपको एंगल तो निकालना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि एम जी का एक कॉम्पोनेंट तो आपने यहाँ लिया, एम जी का एक और कॉम्पोनेंट होगा एम जी इंटू साइन थीटा, और एम जी इंटू साइन थीटा और एम ए का भी एक कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा, कितना एम ए इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, देखो एम ए के दो कॉम्पोनेंट ड्रॉ किए एम ए इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एम ए इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और ऐसे एम जी के दो कॉम्पोनेंट एम जी इंटू कॉस थीटा एम जी इंटू साइन थीटा, अब क्योंकि इसकी मोशन किस एक्सिस में है, इस एक्सिस में, इसमें तो नहीं है, और अगर इसमें नहीं है तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इक्वेट कर देते हैं एम जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इंटू साइन ऑफ कितना 90 माइनस थीटा, यानी कि m से m कैंसल, g इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई a डिवाइडेड बाय g, तो एक जरा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इमेजिन करो ये थीटा तो ये और ये g, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी g डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस में, साइन थीटा की वैल्यू साइन में, अब चेक करके देखो आंसर आ रहा है, इधर एम ए एम जी, तो फिर हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है ठीक है, तो यहां से इस राइट एंगल पैरेलोग्राम ड्रॉ करके टैन थीटा ए बाई जी तब भी ठीक है, एक ही बात है वेक्टर से, वो वेक्टर से कर लो, ये फोर्स से कर रहा हूं, ठीक है यहाँ तक, एक बार चेक करो इसका आंसर सी आ रहा है, सारी वैल्यूज पुट करके एलसीएम लेके चेक करो इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है ठीक, तो इसका आंसर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जो ए ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है वो तो ऐसे ही है, वो पुली के साथ है, वो तो पुली टांग रखी है ताकि पुली नीचे ना गिर जाए ना, उसका कोई यूज़ नहीं है, पुली का कोई यूज़ नहीं है, पुली तो स्टेशनरी है, स्ट्रिंग घूम रही है बस, स्ट्रिंग का यूज़ है। देखो इसमें ये आपका ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक। सबसे पहली चीज़, अगर मैं ब्लॉक ए का डायग्राम बनाऊं, ए का जिसका मास कितना है 2m, बस ये बताओ कि इसको कौन आगे लेके जा रहा है, कौन सी फोर्स है। देखो mg नीचे है, ये तो वर्टिकल फोर्सेस, इनमें से कुछ आंसर बोलना मत क्योंकि इसका वेट कितना है mg, इनमें से कोई आंसर होगा नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी दिख रही है आपको, सिर्फ एक टेंशन टी, टी एक्चुअल में तो वेट नीचे लगा, वेट की वजह से ये स्ट्रिंग छोटी हुई, जिस वजह से ये अटैच थी और पुली पास चली गई तो ये ब्लॉक भी साथ चला। एक्चुअल में तो पुली पास जा रही है और पुली मासलेस है, पुली के साथ कौन अटैच्ड है, 2m, तो यानी कि कौन इसको आगे लेके जा रहा है, टेंशन टी, तो टेंशन टी इसको आगे लेके जा रहा है और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, ए, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और अगर बी बॉडी की बात करती हो तो इसका वेट कितना है mg और टेंशन कितनी है t, और ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू t डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की। और आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो उल्टा कर लो, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करो और चेक करो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका आंसर आ रहा है g बाई थ्री, किस पे, बड़े वाले पे, हाँ तो हॉरिजॉन्टल है वो टी, नहीं ये स्ट्रिंग लाइन नहीं है, ये तो रॉड है, पुली को बांध, इसका कोई रोल नहीं है, ये तो बस ये है कि पुली, आप इसको मत ड्रॉ करो, बस पुली को इसके साथ चिपका लो, चाहे मतलब ये है, इसने थोड़ा सा रॉड इसलिए बना दिया, वो कन्फ्यूजन ये हो रही है कि शायद इसमें भी टेंशन होगी, होगी लेकिन इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो तो फिक्स्ड है, वो तो पुली को फिक्स करने का काम कर रही है, दैट्स इट। उस ऐसा हाँ हो भी सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन पूछी तो यानी कि मूव कर रहा है, अगर ना कर रहा तो क्वेश्चन ना पूछता ना, पॉसिबल है तभी क्वेश्चन दिया, पॉसिबल है, नहीं तो देगा ही नहीं, वो मूव ही नहीं कर रहा तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, अगर वो चल ही नहीं रहा फिर क्या पूछेगा, फ्रिक्शन है ना, इतने बड़े यहाँ जमीन पे, यहाँ फ्रिक्शन नहीं ना इसलिए चल रहा है, रियल लाइफ में कैसे चलेगा, या तो फ्रिक्शन है बहुत बड़ी तो इसको चलने नहीं देगा। मैं भी क्वेश्चन दूंगा, रुक तेरे को एक बोल, टेंशन ठीक है, इसको कौन मूव करवा रहा है, पुली, पुली को कौन आगे लेके जा रहा है, टेंशन टी, तो पुली का तो मास है नहीं तो टेंशन टी इसे आगे लेके जा रही है, तो टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल में तो ये नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रिंग छोटी होती जा रही है तो ये सिस्टम आगे जा रहा है, तो एम जी माइनस टी एम ए, सॉल्व कर लो, बोल बोल रहे हैं, नहीं ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, जब ये नीचे गिरना चाहता है तो ये तो बना हुआ है ना इस वॉल से, तो अल्टीमेटली तो पुली पे जोर पड़ गया ना आगे की तरफ, पुली आगे हो गई, पुली आगे हो गई, मास आगे हो गया, तो इक्वेशन बन गई, मास आगे होगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन है ए,
तो एक की हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बन गई, एक की वर्टिकल की इक्वेशन बन गई, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में, अच्छा एक्स का मतलब है बी और ए के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्स का मतलब है बी और ए के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये स्टेप क्लियर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ना एक वेलोसिटी ब्लॉक की गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट इक्वेशंस ही लगती है, कंस्ट्रेंट से इजी हो जाता है। कैसे? कंस्ट्रेंट क्या बोलती है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जैसे मर्जी घुमा लो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो लेंथ निकाल लें। तो मान लो ये वाई है किसी भी, ये हाइट चेंज हो रही है और एक्स भी चेंज हो रहा है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? एच माइनस y, और ये भी कितनी है? h माइनस y, और ये वाली कितनी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बिकम 2 इनटू h माइनस y प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और अगर हम इन्हें दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटीज का रिलेशन आ जाएगा dx by dt dy by dt, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ एच माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई प्लस डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, ठीक करें। और कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 इज इक्वल टू 2 डी एच बाई डी टी, क्या होगा? 0, क्योंकि पुली और ग्राउंड का डिस्टेंस h तो कांस्टेंट है, तो 0 माइनस डी वाई बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी ऑफ b पुट कर लूं, डी वाई बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है यहां तक, वेलोसिटी ऑफ b, एंड इसमें प्लस हाफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ एच स्क्वायर 0 इंटू 2x इंटू कितना? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए
यहां से सॉल्व करके निकालना जरा वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, ऑप्शन नंबर मार्क करो, सी ऑप्शन आ रहा है चेक करना। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आर एस सी क्या? ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, तो आपको पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो आंसर क्या होगा। हमने किया ना, इधर देखो, अगर इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, a1, और क्वेश्चन में राइट की एक्सेलेरेशन इसकी कितनी है a2, और हमने याद है स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटीज क्या रखते हैं, सेम, स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलेरेशन भी क्या रहेगी, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो इसकी एक्सेलेरेशन इस तरफ क्या होगी, a2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि a2 इंटू कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू a1। आंसर मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं ना, जब आपको एक्सेलेरेशन गिवन ही है दोनों बॉडीज की, फिर तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग उनके कंपोनेंट्स क्या करने हैं, सेम करने हैं। ठीक, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन।